तू जो नया चुपलाया शराबी रतलाया तेरे इश्क कुछ होया आगे ते बैके आज उठता है जैसे कि पतंग सज। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप स्टार्टिंग में प्रीव्यू में जो वीडियो देखा, आप भी उसी प्रकार का स्टेटस क्रिएट करने चाहते हो तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए इन तक देखना। तो गाइस कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए अलाइन मोशन ऐप की जरूरत है, तो आपके पास अलाइन मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलाइन मोशन ऐप का लिंक दे दूंगा, आप सिंपली से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए गाइस बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। जाने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको अलाइन मोशन ऐप ओपन करना है, मैंने ऑलरेडी ओपन करके फिर आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करके ऐसे दो प्रोजेक्ट को इनपुट करना है, ये सॉन्ग बिटमार्क और सेक बैक, इस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अलाइन मोशन पे इनपुट कर लीजिए, फिर आपको आगे यहाँ पर सॉन्ग बिटमार पे टैप कर देना है। तो यहाँ से सॉन्ग बिटमार पे टैप करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरह से लिरिक्स खुल के आ जाएगा। तो आपको सिंपली ये नीचे जो लेयर है, इस लेयर में आपको एक फोटो ऐड करना है, यहाँ पर आपको सॉन्ग के बीट के हिसाब से ऐसे फोटो ऐड करना है। तो सिंपली इस लेयर में आपको एक 9 to 16 साइज की एक फोटो ऐड करना है। तो आपके पास 9 to 16 साइज नहीं तो यहाँ से बैक कर लेना है, फिर प्लान पर क्लिक करके 9 to 16 साइज की एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फिर प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक फोटो ऐसे चूज करना है, थी रोड पे जाके फिर कंपोजिशन एरिया कर लेना है। एरिया करने के बाद क्या करना है, यहाँ से सी आइकॉन पे क्लिक करना है, कारण फेमस पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आपको एक ही फोटो यहाँ से 9 to 16 साइज कर लेना, ठीक है। फिर आपको ऐसे सेव करके क्लोज कर देना है, फिर से बैक जाना है और इस फोटो को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद क्या करना है, बिटमार पे जाना है। तो यहाँ से आपको इस लेयर में आपको उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो लेयर पर टाइप करना है, कलर फिल पर जाना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको अलाइन मोशन को सिलेक्ट करना है, अलाइन मोशन को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से ब्लर पर क्लिक करके ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको फर्स्ट जो फोटो ऐड करना है, फिर आपको यहाँ पर डबल में दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको एक एक फोटो में फोटो को ऐड करना है सॉन्ग के बीट के हिसाब से। तो कैसे करना है, यहाँ से प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, अपनी फोल्डर को ऐसे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद ऐसे एक फोटो ऐसे चूज कर लेना है, थ्री रोड पर जाके आपको फिर कंपोजिशन एरिया करना है, इस आइकॉन पर क्लिक करके आपको सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाना है, फिर इस आइकॉन पर क्लिक करके आपको फोटो को दो हिस्से में कर लेना है, ठीक है। दो हिस्से में करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर डबल में दिखाई देगा, तो डबल में से आपको क्या करना है, फोटो को जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस आइकॉन पर क्लिक करके आपको कट कर देना है। फिर से आपको प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से एक फोटो चूज करना है, थ्री रोड पर जाके फिर कंपोजिशन एरिया करना है, एरिया करने फिर से आइकॉन पर क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाके यहाँ पर आपको फोटो को दो हिस्से में कर लेना है, फिर आगे जो डबल में है तो आपको फोटो को जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको सभी समझ में आ रहा है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जितने सारी बीट है, सारी बीट में आपको एक फोटो ऐसे मतलब कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है। तो डबल बैंक से आपको क्या करना है, फोटो को दो हिस्से में कर लेना है और डबल बैंक से आपको फिर से आपको यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है, मतलब सिंगल बिट के आपको फोटो को दो हिस्से में कर लेना है, फिर डबल बैंक से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है, डबल बैंक से डबल बैंक आपको एक एक फोटो ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ इस प्रकार से आपको ऐड करना है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को अगले के बाद बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैंने फोटो ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको बैक देना है, यहाँ से इफेक्ट को आपको चले जाना है, तो यहाँ पर सेक इफेक्ट पे जाना है, ये जो इफेक्ट है फास्ट जो इफेक्ट है इसको कॉपी करना है। तो सिंपली फोटो पे टाइप करना है, इफेक्ट पे जाना है, सी रोड पर जाके कॉपी पे कर लेना है। तो इस इफेक्ट को ऐसे कॉपी करने के बाद क्या करना है, फिर आपको यहाँ से बिटमार पे जाना है। तो यहाँ से बिटमार पे जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो जहाँ से फोटो ऐड होना स्टार्ट हुआ वहाँ पर आप लोगों को आ जाना है, या जो फास्ट जो फोटो है उसमें आपको ये इफेक्ट ऐड करना है, फोटो पे टाइप कर देना, इफेक्ट पे जाना है, थ्री पे जाके आपको पेस्ट भी कर देना। तो इस इफेक्ट को ऐसे कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या करना है, फिर से आपको एक फोटो नेक्स्ट फोटो को छोड़ देना है, फिर से जो आगे जो फोटो है उस फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से डबल बैंक के जो फोटो है ना उस फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डबल बैंक दिखाई देगा, तो डबल बैंक से जो फास्ट फोटो है उस फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको आगे और एक डबल बैंक दिखाई देगा, तो डबल बैंक जो फास्ट फोटो है तो उस फोटो में आपको ये इफेक्ट वन ऐड कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बैक जाना है, फिर से आपको ऐसे सेक इफेक्ट पे जाना है। तो यहाँ से सेक इफेक्ट पे जाने के बाद क्या करना है, इफेक्ट टू को ऐसे कॉपी करना है, फोटो पे टाइप करना है, इफेक्ट पे जाना, थ्री पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना। तो इस इफेक्ट को ऐसे कॉपी करने के बाद क्या करना है, फिर से आपको बिटमार पे जाना है। तो यहाँ से बिटमार पे जाने के बाद जो आपको सिंगल बिट का फोटो है ना उस फोटो में सारी फोटो में आपको इफेक्ट इस फोटो को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए इस सिंगल बिट का, तो इस फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है, मतलब आपको समझ में आ रहा है गाइस
कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट ऐड कर देना है, मतलब डबल बैक जो फोटो है उस फोटो में आपको इफेक्ट वन एंड सिंगल बिट का जो फोटो है उस फोटो में आपको इफेक्ट टू ऐड कर देना है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट ऐड करने के बाद क्या करना है, आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको एक बॉर्डर पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बस उसको ऐड कर लेना है और आपको वीडियो को इनपुट कर लेना है। तो यहाँ से आपको सिंपली से सेलेक्ट करना है, फिर आपको वीडियो को इन तक आ जाना है, इस अकाउंट पर क्लिक करके उसको ले आना है। तो वीडियो बन के रेडी हो जाए, एक्सपोर्ट करने के लिए शेयर अकाउंट पर क्लिक करना और वीडियो को ऐसे एक्सपोर्ट कर देना। तो गाइस जैसे देख रहे हैं आप हमारा वीडियो एक्सपोर्ट रहा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।